ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिस्ट्री नंबर 665 क्लैरिफाइड ऑन 4 मई 2007 एट निलंगा महाराष्ट्र। ओम शांति। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 सितंबर 1967। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 13 सितंबर 1967। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बहुत खुशी से पढ़ते हैं। ओम शांति। When students study, they study very happily. रूहानी बच्चे भी जानते हैं, बेहद का बाप जो टीचर भी है वो हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। The spiritual children also know that the unlimited father who is also the teacher teaches us with a lot of interest. उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है। In that study, that is the worldly study, the father is different. जो जन्मदाता होता है और अंत में बच्चों को वर्षा देता है वो अलग होता है और टीचर पढ़ाने वाला अलग होता है। The father who gives birth and gives inheritance to the children in the end is different and the teacher who teaches is different. अगर कोई बाप ही टीचर होता है तो भी बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। इफ अ फादर हिमसेल्फ इज अ टीचर ही सर्टनली टीचेस हिज चाइल्ड विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज दे हैव अ ब्लड कनेक्शन एनीवे। वो तो है हद का ब्लड कनेक्शन एक जन्म का। That is the blood connection in the limited of one birth. और यहाँ तो है बेहद का ब्लड कनेक्शन। And here it is the unlimited blood connection. बेहद का ब्लड कौन सा होता है? What is the unlimited blood? वो खून होता है स्थूल खून, स्थूल नसों नाड़ियों में दौड़ता है। That blood is physical blood. It flows in the physical arteries and veins. हद के बाप का, हद का खून, हद की नसें नाड़ियां। The limited father has limited blood, limited arteries and veins. और यहाँ है बेहद का बाप, बेहद का संकल्पों का खून है और बेहद की 16,000 नसें नाड़ियां हैं, जो बेहद विराट पुरुष की आत्मा से जुड़ी हुई है। एंड हियर इट इज द अनलिमिटेड फादर, इट इज द अनलिमिटेड ब्लड ऑफ थॉट्स एंड देर आर अनलिमिटेड 16,000 आर्टरीज एंड वेन्स विच आर कनेक्टेड विद द सोल ऑफ द अनलिमिटेड विराट पुरुष। अनेक जन्मों का संकल्पों का खून उनमें समाया हुआ है। द ब्लड ऑफ थॉट्स ऑफ मेनी बर्थ्स इज कंटेन्ड इन देम। बाप तो एक ही जन्म में आते हैं। द फादर कम्स ओनली इन वन बर्थ। लेकिन बेहद का खून, बेहद की आत्मा रूपी बच्चों में अनेक जन्मों तक दौड़ता है। बट द अनलिमिटेड ब्लड फ्लोज फॉर मेनी बर्थ्स इन द अनलिमिटेड सोल लाइक चिल्ड्रन। फिर पढ़ाई में कोई डल होते हैं, कोई श्रूड होते हैं। देन सम आर डल एंड सम आर श्रूड इन स्टडीज। जो श्रूड बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत तीखे होते हैं
वो बाप की पढ़ाई को गहराई से धारण करते हैं। द श्रूट चिल्ड्रन हु आर वेरी शार्प इन स्टडीज एसिमुलेट द फादर्स नॉलेज डीपली। बाप अथवा टीचर भी समझ करके बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। द फादर और द टीचर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड टीचर्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। ये रूहानी बाप है और रूहानी टीचर है। दिस इज द स्पिरिचुअल फादर एंड द स्पिरिचुअल टीचर। और तुम सभी बच्चे रूहानी बच्चे हो, रूहानी स्टूडेंट हो। एंड यू ऑल आर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स। यहाँ बाप ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हियर द फादर हिमसेल्फ टीचर्स हिज चिल्ड्रन। कितना रुचि से पढ़ाते होंगे। क्योंकि अपन ना समझ कर पढ़ाते हैं। He will teach with so much interest. It is because he teaches them, considering them to be his children. अपन ना समझ कर पढ़ाते हैं। रूहानी बाप के 500-700 करोड़ रूहानी बच्चे नहीं है। He teaches them, considering them to be his children. Aren't the 5-7 billion souls the spiritual children of the spiritual father? वो अपने बच्चे नहीं है क्या? Are they not his children? हैं? Someone said they belong to different religions. अगर blood connection पक्का है, तो रूहानी बाप की बात को ही पकड़ेंगे। If the blood connection is strong, they will grasp only the words of the spiritual father. खून स्वच्छ नहीं है, बाप का ही खून नहीं है, मिक्स है, तो जरूर अंतर पड़ जाएगा। If the blood is not clean, if it is not at all the father's blood, if it is mixed, then definitely there will be a difference. यहाँ तो संकल्पों का खून है। Here it is the blood of thoughts. एक बाप सुप्रीम टीचर है। The one father is the supreme teacher. एक टीचर की सुनाई हुई बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, धारण करते हैं और कोई की तरफ बुद्धि नहीं लगाते। तो जरूर पढ़ाई या विचारी पढ़ते हैं। इफ दे लिसन टू स्टडी एंड असिमुलेट द वर्ड्स नरेटेड बाय द वन टीचर एंड डू नॉट अटैच देयर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स एनीवन एल्स देन दे विल डेफिनेटली स्टडी अडल्ट्रेटेड नॉलेज। जरूर वो बच्चे रुचि से पढ़ते होंगे। Those children will certainly study with a lot of interest. क्योंकि समझते हैं हमको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। Because they think that the father teaches them directly. जो बापों का बाप है, सुप्रीम टीचर है। He is the father of the fathers, the supreme teacher. और एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। एंड ही कम्स ओनली वंस एंड टीचर्स। तो बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। सो द चिल्ड्रन शुड हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। कि बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और अच्छी रीति हरेक बात समझाते रहते हैं। थिंकिंग बाबा गॉड टीचर्स अस and keeps explaining every topic properly. कई कई बच्चों को पढ़ते करते विचार आता है कि ये क्या बात है। A thought arises in the mind of many children while studying. What is this? बाप समझाते हैं ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है। The father explains that there is the cycle of coming and going in this drama. परंतु बच्चे सोचते हैं ये नाटक रचा ही क्यों है। बट द चिल्ड्रन थिंक व्हाई हैज दिस ड्रामा बीन क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस।
इस ड्रामा से हमें क्या फायदा है? What is the benefit of this drama to us? बस. That's all. क्या हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे? Will we simply keep passing through the cycle like this? तो कोई बच्चे सोचते हैं कि इस ड्रामा के चक्कर से छूट जावे तो अच्छा है. So some children think that it is better if they are liberated from the cycle of the drama. कौन सोचते होंगे इस ड्रामा के चक्कर से छूट जावे? Who will think that they should be liberated from this cycle of the drama? उनकी शिफ्ट क्या होगी कि वो बच्चे सोचते हैं कि ड्रामा के चक्कर से छूट जावे? What will be the quality of those children who think that they should be liberated from the cycle of the drama? सब तो नहीं सोचते होंगे. Certainly, not everyone will think like this. तो कौन से बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि ड्रामा के चक्कर से छूट जावे? So, which children think that they should be liberated from the cycle of the drama? Someone said, it is those in whose intellect the knowledge has not sat. बाप के आने से पहले तो सारी दुनिया की बुद्धि में नहीं बैठा था. The knowledge hadn't sat in the intellect of the entire world before the arrival of the father. फिर भी साधु सन्यासियों की बुद्धि में ये आता था इस दुनिया के चक्कर से छूट जाए, और जो दुखी आत्माएं थी उनकी बुद्धि में भी आता था. Yet it used to come in the intellect of the sages and the sannyasis that they should be liberated from this world cycle. And it also used to come in the intellect of the sorrowful souls. कि 84 लाख का चक्कर है, इस चक्कर से हमेशा के लिए आत्मा मुक्त हो जाए. This is the cycle of having 84 lakh births. The soul should be liberated forever from this cycle. बाकी जो सुखी देवताएं होंगे वो तो नहीं सोचते होंगे इस चक्कर से छूट जावे. As regards the happy deities, they will certainly not think that they should be liberated from this cycle. जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं. When they see that they have to keep passing through the cycle of 84 births, they have such thoughts. भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो हम आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकते? Why did God create such a drama that we cannot be liberated from the cycle of coming and going, that is birth and death? इससे तो अच्छा होता हमको हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाती. It would have been better if we had received moksh forever. ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं. Many children have such thoughts. इस आवागमन से दुख सुख से छूट जावे. परंतु बाप कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता. We should be liberated from this coming and going, from sorrow and happiness. But the father says, this is not at all possible. कि कोई आत्मा सदाकाल के लिए आवागमन के चक्कर से छूट जावे. That a soul is liberated from the cycle of coming and going permanently. भगवान बाप के लिए कहते हैं संभवामि योगे योगे हर युग में आता है. It is said for God the Father, संभवामि युगे युगे. That is, he comes in every age. कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा. कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा. That is, God incarnates in every cycle. हर कल्प में आता है. He comes in every cycle. तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान बाप इस चक्कर में बंधा रहे और बच्चे हमेशा के लिए छूट जाए? So, how is it possible that God the Father remains bound in this cycle and the children are liberated from it forever? तो बाप कहते हैं ये कब नहीं हो सकता है.
सो द फादर सेज दिस कैन नेवर हैपन। अगर ऐसा हो फिर तो पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ हो जाता। इफ दिस वॉज पॉसिबल देर वुड बी नो यूज इन मेकिंग पुरुषार्थ एट ऑल। बाप ने समझाया है, द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, एक भी आत्मा इस चक्र से छूट नहीं सकती। That not even a single soul can be liberated from this cycle. आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। Such an imperishable part is recorded in the soul. आत्मा भी अविनाशी और उसका पार्ट भी अविनाशी है। The soul is imperishable and its part is also imperishable. अगर आत्मा विनाशी होती तो पार्ट भी विनाशी हो जाता। Had the soul been perishable, then the part would also have been perishable. तो वो आत्मा है ही अनादि अविनाशी और ये पार्ट भी अनादि अविनाशी और ये ड्रामा भी अनादि अविनाशी। सो The soul, this part, as well as this drama, is eternal, imperishable. बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज एक्टर्स का है। The count of the actors is very accurate. एक भी एक्टर कम जास्ती नहीं हो सकता है। There can't be even a single actor less or more. तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। You children have the entire knowledge. इस ड्रामा के पार्ट से कोई भी नहीं छूट सकता। So nobody can be liberated from playing a part in this drama. और न कोई सदाकाल के लिए मोक्ष पा सकता है। Nor can anyone achieve moksha forever. आत्मा सदाकाल के लिए मुक्त हो जाए माना आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई। If a soul is liberated forever, it means, is the soul perishable or imperishable? तो आत्मा ही अविनाशी विनाशी हो गई। Then the soul itself became perishable. कोई आत्मा ये चाहती है कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए? Does any soul wish that its existence should end forever? कोई नहीं चाहता। Nobody wants this. हाँ आत्मा ये चाहती है कि हम दुख के बंधन से छूट जावे। Yes, the soul wants to be liberated from the bondage of sorrow. सुख के संबंध से कौन छूटना चाहेगा? Who would like to be liberated from the relationship of happiness? संबंध होता ही है सुख देने के लिए। Relationships are meant only to give happiness. सुख शांति कौन सी आत्मा को अच्छी नहीं लगती? विच सोल डजंट लाइक हैप्पीनेस एंड पीस? सब चाहते हैं सुखी रहे शांत रहे। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी पीसफुल। दुख और अशांति कोई नहीं चाहता। नोबडी वांट्स सोरो एंड रेस्टलेसनेस। तो असली बात ये हुई कि दुख और अशांति से कोई सब छूटना चाहते हैं। So the real thing is that everyone wants to be liberated from sorrow and restlessness. सब धर्म वालों को नंबर वार इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है। People of all the religions definitely have to come to this world number wise. Number wise means sooner or later according to their right time. नंबर वार इस सृष्टि पर आकर के सुख और दुख का पार्ट बजाते हैं। They come to this world number wise and play the part of happiness and sorrow. पहले पहले सुख का पार्ट बजाते हैं और बाद में तम प्रधान हो जाते हैं तो दुख का पार्ट बजाते हैं। First of all, they play the part of happiness and later on they become tamo pradhan, so they play the part of sorrow. तो बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। So the father explains, this is an eternal, predetermined, imperishable drama. तुम भी कहते हो, बाबा अब हम जान गए
कि कैसे हम पूरा 84 का चक्कर लगाते हैं। यू ऑल्सो से बाबा नाउ वी हैव कम टू नो हाउ वी पास थ्रू द कंप्लीट साइकिल ऑफ 84 बर्ड्स। ये भी समझते हो जो पहले पहले आते हैं वो ही 84 जन्म लेते होंगे। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दोज हू कम इन द बिगिनिंग दे देमसेल्व्स विल हैव 84 बर्ड्स। बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। दोज हू कम लेटर डू नॉट हैव 84 बर्ड्स। जितना जितना बाद में आते जाएंगे उतना उतना जन्म कम होते जाएंगे। द लेटर समवन कम्स द फ्यूअर बर्ड्स ही विल हैव। तो पीछे आने वालों का नंबर जरूर कम होगा जन्मों का। सो दोज हू कम लेटर विल डेफिनेटली हैव अ लेसर नंबर ऑफ बर्ड्स। और यहाँ ड्रामा में छुट्टी की तो बात ही नहीं है। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ हॉलिडे हियर इन दिस ड्रामा एट ऑल। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। इन फैक्ट यू हैव टू मेक पुरुषार्थ हियर। बाप आकर पढ़ाते हैं। द फादर कम्स एंड टीचर्स। बच्चे खुशी से पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन स्टडी हैप्पीली। बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। The father teaches as the teacher. तो उसमें छुट्टी की तो बात होना ही नहीं चाहिए। So the question of having a holiday shouldn't arise in this at all. पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। The old world definitely has to change into a new world. खुशी की बात है। It is a good news. बाबा हर बात बार बार समझाते रहते हैं। बाबा कीप्स एक्सप्लेनिंग एवरी टॉपिक अगेन एंड अगेन। बार बार इसलिए समझाते हैं कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनकी आगे की नई नई पढ़ाई कौन पढ़ाएगा। He explains again and again because he thinks, who will teach the past new topics of knowledge to the new children who come? तो बाप नए नए को देख करके फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करते हैं। So the father repeats the old points on seeing the new children. मुख्य है गीता की पॉइंट। The main point is the point of the Gita. बच्चों को गीता का रेफरेंस पहले पहले देना होता है। The children have to give the reference of the Gita first. क्योंकि वह कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है। Because they, the newcomers, say that the father is omnipresent. गीता में भी उन्होंने साबित किया हुआ है कि भगवान बाप सर्वव्यापी है। Even in the Gita, they have proof that God the Father is omnipresent. बल गीता में श्लोक है, मैं इस दुनिया का वासी नहीं हूँ, सूरज चांद सितारों से परे जो मेरा परम धाम है मैं वहाँ का वासी हूँ। Although there is a श्लोक that is verse in the Gita which means I am not a resident of this world, I am a resident of the supreme abode which is situated beyond the sun, the moon and the stars. तो भी उन्होंने ये साबित किया है। Even then they have proved कि भगवान सर्वव्यापी है। That God is omnipresent. कुत्ते बिल्ली में कह देते हैं। They say he is present in dogs and cats. 84 लाख योनियों में डाल दिया है। They have put him in the 84 lakh species. क्योंकि जो जो साक्षात्कार करते हैं गणेश का हनुमान का अथवा जिसकी भी पूजा करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं कि हाथी में बंदर में सब में भगवान है, कच्छ मच्छ में अवतार है। बिकॉज whoever has visions of गणेश हनुमान और इफ दे हैव visions ऑफ द वन दे worship, दे थिंक दैट देर इज गॉड इन elephants, monkeys एंड इन everyone. He incarnates a tortoise and a crocodile. गणेश इज an elephant faced deity. हनुमान इज अ मंकी फेस्ड डीटी। इसलिए उनको साक्षात्कार होता है। दिस इज वाई दे हैव विजन्स।
भावना का भाड़ा मिलता है। They receive the fruit of their feelings. दूसरी बात है, ये मुझ क्यों है? The second thing is, why is there this confusion? शास्त्रों में ये सर्वव्यापी की बात क्यों आ गई है? Why has this topic of God being omnipresent appeared in the scriptures? यहाँ तो तुम बच्चे बैठे हो, बाप बच्चों में व्यापक होता है क्या? You who are sitting here are the children. Is the father present in the children? बाप कोई कोई अचानक शरीर छोड़ते हैं तो अपने बच्चों में प्रवेश करते हैं। Some fathers who leave their body suddenly enter their children. तो समझते हैं कि परमात्मा भी सब में व्यापक होगा। So they think that the supreme soul is also present in everyone. ये नहीं सोचते कि जो मनुष्य बाप होते हैं मनुष्यों के, वो तो अचानक शरीर छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ जाते। They do not think that the fathers of the human beings are bound in the bondage of the subtle body when they leave the body suddenly. और ये तो रूहानी बाप है, रूहों का बाप। And this is the spiritual father, the father of the souls, that is ruh. ये मनुष्यों का बाप नहीं है। He is not the father of the human beings. रूहों का बाप है। He is the father of the souls. और जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। And he is beyond the cycle of birth and death. वो बाप सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। All those fathers enter the cycle of birth and death. और ये बाप तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। But this father doesn't enter the cycle of birth and death at all. तो पाप और पुण्य के चक्र में कैसे घूमेगा? So, how will he pass through the cycle of sins and merits? इसको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। He neither accumulates sins nor does he accumulate merits. ये तो पापों से छुड़ाने वाला है। In fact, he is the one who liberates us from sins. तो प्रवेश करने की बात ही नहीं। So there is no question of his entering everyone at all. बाप कोई सूक्ष्म शरीरधारियों में नहीं आते। The father does not enter subtle bodily beings. सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा में भी नहीं आते। He does not come in the subtle world dweller Brahma either. वो तो पतित तन में प्रवेश करते हैं, साकार तन में। In fact, he enters a sinful body in a corporeal body. और प्रवेश होकर के वाणी सुनाते हैं। And he narrates the vani that is murli after entering. और सब बाप तो प्रवेश भी नहीं करते हैं। It is not that all the other fathers enter someone. लौकिक दुनिया में जितने बाप होते हैं वो सब क्या अकाल मौत होती है उनकी? Do all the fathers in the Laukic world die an untimely death? अचानक मौत सब बापों की तो होती नहीं। Certainly, not all the fathers die an untimely death. अचानक मौत तो उन्हीं आत्माओं की होती है जिनके पापों का भार बहुत बढ़ जाता है तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं ताकि पापों का बोझा हल्का हो जाए। Only those souls whose burden of sins increases a lot die an untimely death. So they take on a subtle body for some time so that their burden of sins is reduced. तो सब बाप तो प्रवेश भी नहीं करते हैं। So certainly not all the fathers enter. तो सब मुझे हुए हैं। So everyone is confused. कह देते हैं पत्थर भीतर में भगवान है। They say that God is present in stones and walls. बच्चियां खुद अपना अनुभव सुनाती हैं। The daughters themselves narrate their experience. कोई कोई बच्चियां कहती हैं, बाबा
आज तो जैसे बाबा ने प्रवेश करके बड़ी जोर से मुरली चलाई। सम डॉटर्स से बाबा इट वॉज एज इफ टूडे बाबा एंटर्ड मी एंड नरेटेड द मुरली विद ग्रेट फोर्स। हमको बहुत खुशी हुई। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। बहुत बच्चों को उठाया। आई अपलिफ्टेड मेनी चिल्ड्रन। तो ये बच्चियां ऐसे ऐसे कहती हैं। सो दीज डॉटर्स से दिस। और पुरानी दुनिया के मनुष्य तो नीति नीति करके आए। एंड द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड हैव बीन सेइंग नीति नीति। हम नहीं जानते। मीनिंग वी डू नॉट नो। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानता हो। There is no human being in the world who knows the beginning, the middle and the end of the creator and the creation. जैसे तुम अभी जानते हो। As you know it now. तुम्हारी बुद्धि में तो अभी सारी नॉलेज है। Now the entire knowledge is in your intellect. तुम जानते हो शुरू से लेकर कैसे कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। You know how we have been playing parts from the beginning. हमने ही पूरे 84 का चक्र का पार्ट बजाया है। तो हमारी बुद्धि में परमात्मा बाप की बात जल्दी बैठ जाती है। इट इज वी हु हैव प्लेड द पार्ट ऑफ पासिंग थ्रू द साइकिल ऑफ द 84 बर्थ्स कम्प्लीटली। सो द वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम सोल फादर सिट्स इन आर इंटेलेक्ट क्विकली। तो तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो यू नो हिम एक्यूरेटली। वो नहीं जानते। दे डोंट नो हिम। कौन? हु? जो दूसरे दूसरे धर्म गुरुओं को धर्म पिताओं को अपना बाप समझे बैठे। दोस हु हैव कंसिडर्ड अदर रिलीजियस गुरुस अदर रिलीजियस फादर्स एज देयर फादर्स। तुम यथार्थ रीति जानते हो कि कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं। यू एक्यूरेटली नो हाउ द साइकिल रोटेट्स हाउ द सोल्स कम वन आफ्टर द अदर। एक्टर्स की कैटेगरीज हैं। देयर आर द कैटेगरीज ऑफ एक्टर्स। अपनी अपनी कैटेगरीज के अनुसार श्रेष्ठ कैटेगरीज की आत्माएं पहले आती हैं, नंबरवार आती हैं। As per their categories, the souls of the righteous categories come first. They come one after the other. कौन कितने जन्म लेते हैं वो सब तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। Who has how many births? All this comes in your intellect. और इस समय संगम युग पर ही बाप आकर के ज्ञान की बातें सुनाते हैं। And at this time, in this confluence age itself, the father comes and narrates the topics of knowledge. सत्युग में तो ज्ञान की बात ही नहीं। There is no question of knowledge at all in the golden age. वहां तो प्रारब्ध होती है। We enjoy the rewards there. इस समय तुमको समझाया जाता है। You are explained the knowledge at this time. गीता में भी आदि में और अंत में मनमना भव की बात आती है। द टॉपिक ऑफ मनमना भव अपियर्स इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ द गीता। क्यों? व्हाई? गीता में ये आदि और अंत का मनमना भव का गायन क्यों है? व्हाई इज मनमना भव मेंशन्ड इन द गीता इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड? क्योंकि भगवान बाप भी जब आते हैं। इट इज बिकॉज व्हेन गॉड द फादर आल्सो कम्स। तो आदि में आदि की यात्रा की भट्टी चलती है और अंत में भी चलती है। द भट्टी ऑफ द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस इज कंडक्टेड इन द बिगिनिंग एज वेल एज इन द एंड। आदि में भी इतना ज्ञान नहीं होता है और अंत में भी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और बाप मेरा ज्योति बिंदु और सब आत्मा ज्योति बिंदु, इसी स्वरूप में सब टिक जाते हैं। देयर इज नॉट मच नॉलेज इन द बिगिनिंग
एंड इन द एंड एज वेल एवरीवन बिकम्स कॉन्स्टेंट इन दिस वेरी स्टेज आई द सोल एम अ पॉइंट ऑफ लाइट माई फादर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड ऑल द सोल्स आर पॉइंट्स ऑफ लाइट। बाकी सारा ज्ञान का विस्तार समा जाता है। द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज मर्ज्ड। बाकी ये पढ़ाई बीच में होती है स्टेटस पाने के लिए। एज फॉर द रेस्ट देर इज दिस नॉलेज इन द मिडिल टू अचीव अ स्टेटस। नंबर वार मालाएं तैयार होती हैं। नंबर वाइज रोजरीज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स बिकम रेडी। अपना अपना स्टेटस बन जाता है। ईच वन अचीव्स देयर इंडिविजुअल स्टेटस। 500 करोड़ की भी माला है। देर इज अ रोजरी ऑफ 5 बिलियन सोल्स एज वेल। उसमें नंबर वार स्टेटस हो जाते हैं। देर आर पोजिशंस ऑफ डिफरेंट रैंक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पिरिचुअल एफर्ट इन इट। जो राजा रानी बनते हैं वो तो अभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। Those who become kings and queens make a lot of पुरुषार्थ now. और धर्म वालों को समझाया जाता है। People of the other religions are explained कि तुम सब नंबर वार आते हो। That all of them come one after the other. धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना होता है। Everyone has to come after the religious founder. धर्म स्थापक नंबर वार आए हैं और उनकी फॉलोअर प्रजा भी उनके बाद नंबर वार आती है। द रिलीजियस फाउंडर्स हैव टू कम वन आफ्टर द अदर टू दिस वर्ल्ड एंड देयर फॉलोअर्स द सब्जेक्ट्स ऑल्सो कम आफ्टर देम वन बाय वन। उसमें राजाई की बात नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ किंगशिप इन दैट। वो धर्म पिताएं आकर के राजयोग नहीं सिखाते हैं। दोज रिलीजियस फादर्स डोंट टीच राजयोग व्हेन दे कम। एक ही गीता शास्त्र है जिसमें राजयोग की बात आती है। इट इज ओनली द स्क्रिप्चर गीता इन विच द टॉपिक ऑफ राजयोग इज मेंशन्ड। उस गीता की बहुत महिमा है। देर इज अ लॉट ऑफ ग्लोरी ऑफ दैट गीता। और ये गीता का ज्ञान बाप भारत में ही आकर के सुनाते हैं। एंड द फादर कम्स एंड नरेट्स द नॉलेज ऑफ द गीता ओनली आफ्टर कमिंग इन भारत। दूसरे धर्म खंडों में आकर के गीता का ज्ञान नहीं सुनाते। He does not go to other religious lands and narrate the knowledge of the Gita. और भारतवासियों की खास सदगति करते हैं। And he especially brings about the sadgati that is true liberation of the Bharatvasis. परंतु आम सारी दुनिया की सदगति करते हैं। But he also brings about the sadgati of the entire world in general. वो धर्म स्थापक आते हैं। Those founders of the religions who come. वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके पिछाड़ी बड़ा तीर्थ है बनाए देते हैं। When they leave their body, a big pilgrimage center is built in their memorial. दिखाते हैं कि यादगार बनाए देते हैं। It is shown that memorials are built. तीर्थ स्थली बनाए देते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर्स आर बिल्ट। 1367 की वाणी का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 13/9/67। वास्तव में वो कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? एक्चुअली दोज आर इन पिलग्रिमेज सेंटर्स। वाई? और धर्म स्थापकों के शरीर छोड़ने के बाद जो तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं, वो तीर्थ क्यों नहीं है? द पिलग्रिमेज सेंटर्स दैट हैव बीन बिल्ट आफ्टर द अदर रिलीजियस फादर्स लेफ्ट देयर बॉडी, व्हाई आरंट दोज पिलग्रिमेज सेंटर्स इन रियलिटी? क्योंकि तीर माने किनारा, थ माने स्थान। इट इज बिकॉज थी मीन्स शोर, थ मीन्स प्लेस। किनारे लगाने वाला स्थान अर्थात एक ठिकाना देने वाला स्थान। द प्लेस टू ब्रिंग यू टू द शोर मीनिंग अ प्लेस दैट सर्व्स एज अ डेस्टिनेशन। वो धर्म पिताओं को खुद ही ठिकाना नहीं मिलता। दोज रिलीजियस फादर्स देमसेल्फ डोंट फाइंड अ डेस्टिनेशन। तो अपने फॉलोअर्स को ठिकाना कहाँ से देंगे? सो हाउ विल दे गिव अ डेस्टिनेशन टू देयर फॉलोअर्स?
असली ठिकाना असली किनारे लगाने वाला बाप है। इट इज द फादर हु गिव्स यू द ट्रू डेस्टिनेशन। सबको आकर के एक ठिकाने लगा देते हैं। हु ब्रिंग्स यू टू द शोर इन अ ट्रू सेंस। सबकी आत्मा मन बुद्धि रूपी परमधाम बाप के घर में ठिकाने लग जाती है। He takes everyone to one destination. The mind and intellect in the form of the soul of everyone reaches the destination of the supreme abode, the Father's home. तो वास्तव में सबका तीर्थ पहले तो ये भारत बनता है। So, in reality, the pilgrimage center for everyone is this Bharat at first. भारत में भगवान आते हैं। God comes in Bharat. तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि को ठिकाना कहाँ मिलता है? So, where does the intellect of all the human beings of the entire world find a destination? भारत में ठिकाना मिलता है, जहाँ वेद का बाप आते हैं। It is in Bharat where the unlimited father comes. बाप ने भारत में ही आकर के सर्व की सदगति की है। The father has brought about the sadgati of everyone only after coming in India. सारी दुनिया की सदगति। He brought the sadgati of the entire world. बाबा कहते हैं तुम मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना? बाबा says, you call me liberator, the guide, don't you? दुख दर्दों से अशांति से लिबरेट करता हूँ। I liberate you from sorrow, pain and restlessness. सुखदाम का गाइड बनता हूँ। I become the guide to the abode of happiness. हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख से लिबरेट कर शांति धाम सुखधाम ले जाता हूँ। I liberate you from this old world, from sorrow and take you to the abode of peace and the abode of happiness. बच्चे समझते हैं? हम वाया शांति धाम सुखधाम जावेंगे। The children understand that they will go to the abode of happiness via the abode of peace. कौन जावेंगे? Who will go? जो बाप के रूहानी बच्चे हैं, जो रूहानी स्टेज को धारण करते हैं पुरुषार्थ करके। वो समझते The spiritual children of the father, those who attain the spiritual stage by making purusharth, understand this. क्या समझते हैं? What do they understand? कि बाप आए हैं हमारी सदगति करने। They understand that the father has come to bring about their sadgati. हमको शांति धाम में ले जाते हैं और सुख धाम में भेज देते हैं। He takes them to the abode of peace and sends them to the abode of happiness. बाकी सब शांति धाम में रह जाएंगे। Everyone else will stay in the abode of peace. और हम? And what about us? हम शांति धाम से सुख धाम आएंगे। We will go to the abode of happiness from the abode of peace. तो दुख से बाप आए सदगति करते हैं। So the father comes, liberates us from sorrow and brings about our sadgati. जो भी धर्म स्थापक और उनकी संस्थाएं हैं वो सब यहाँ ही हैं। All the religious fathers and their institutions are present here itself. कहाँ? Where? भारत में है। Student in Bharat. They are in Bharat. एक भारत ही देश ऐसा है जहाँ सब धर्मों ने राज्य किए हैं। It is only the country of Bharat where all the religions have ruled. सब धर्मों की यादगार यहाँ बनी हुई है। The yadgar of all the religions have been built here. तो और धर्मों के इतने जन्म मरण नहीं होते। So, the people of the other religions don't pass through the cycle of birth and death to that extent. और तुम्हारे जन्म मरण यहाँ बहुत होते हैं। But you pass through the cycle of birth and death many times here. उनका तो बाप आया
फिर चला जाएगा। देयर फादर कम्स एंड देन गोज अवे। होने के लिए नहीं कहेंगे मर गया। इट वोंट बी सेड फॉर हिम दैट ही डाइड। जैसे शिवानंद के लिए कहते हैं शरीर छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड फॉर शिवानंद दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी। ये नहीं कहते हैं कि शिवानंद मर गया। इट इज इन सेड दैट ही डाइड। फिर उनका क्रियाकर्म आदि बहुत कुछ करते हैं। देन दे परफॉर्म मेनी रिचुअल्स एंड सो ऑन फॉर देम। और ये बाप चला जाएगा। एंड व्हेन दिस फादर डिपार्ट्स। जब यह बाप चला जाएगा। व्हेन दिस फादर डिपार्ट्स। तो इसका कोई क्रियाकर्म सेरेमनी आदि करेंगे क्या? विल यू परफॉर्म रिचुअल्स सेरेमनीज एंड सो ऑन फॉर हिम। करेंगे क्यों? ये क्या बात हो गई? विल यू स्टूडेंट? नो। व्हाई? व्हाट इज दिस? और धर्म पिताएं आते हैं, उनका तीर्थ स्थान बनाए देते हैं। अदर रिलीजियस फादर्स कम, पीपल बिल्ड पिलग्रिमेज सेंटर्स इन देयर मेमोरियल। कितने क्रियाकर्म कर्म कांड आदि करते रहते हैं। दे कीप परफॉर्मिंग सो मेनी रिचुअल्स सेरेमोनियल एक्ट्स एंड सो ऑन। और ये बापों का बाप सब धर्म पिताओं की सदगति आके करता है, इसका कुछ भी नहीं करते क्यों? And this one is the father of the fathers who comes and brings about the Sadgati to all the religious fathers. They don't perform any rituals for him. Why? क्यों नहीं करते? Why don't they perform any? जिसमें भी दे रोने बात। Student replies. क्या होता है? What is he? जिसमें भी बात होते हैं और ये बात रोनी है। हाँ तो? स्टूडेंट दोज आर फिजिकल फादर्स एंड दिस फादर इज स्पिरिचुअल फादर। यस सो स्टूडेंट सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर हिम एट ऑल। वो भी जब शरीर छोड़ते हैं। व्हेन दे लीव देयर बॉडी। उनके लिए भी कहते हैं शरीर छोड़ दिया। इट इज ऑल्सो सेट फॉर देम दैट दे लेफ्ट देयर बॉडी। ये भी शरीर छोड़ता है। दिस वन ऑल्सो लीव्स द बॉडी। शरीर लेता भी है। अ स्टूडेंट वन कांट नो ही टेक्स ऑन अ बॉडी टू। यस और धर्म पिताओं के पीछे तो उनके फॉलोअर्स बने रहते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजियस फादर्स रिमेन अलाइव आफ्टर देयर डेथ। और ये बाप जाता है। बट व्हेन दिस फादर डिपार्ट्स तो किसी को पता ही नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। Nobody comes to know at all when he comes and when he goes away. उनके आने का पता ही नहीं पड़ता। No one comes to know about his arrival at all. तो क्रियाकर्म आदि की बात ही नहीं। So there is no question of performing rituals and so on at all. और सभी मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। Rituals are performed for all the other human beings. बाप का क्रियाकर्म होता ही नहीं। There aren't any rituals performed for the father at all. उनका शरीर ही नहीं है। He doesn't have a body at all. सभी मनुष्य सरसों में सल पिस करके खलास हो जाते हैं। All the human beings are crushed like mustard seeds and perish. सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बात नहीं होती है। There is no topic of this knowledge, bhakti in the golden age. ये ज्ञान और भक्ति की बातें अभी चलती है। These topics of knowledge and bhakti exist now. और अभी तक सभी ने भक्ति ही सिखलाई है। And until now, everyone has taught only bhakti. जन्म जन्मांतर तुम भक्ति ही सीखते चले आए हो। You have been learning only bhakti for many births. क्रिया कर्म कांड आदि करते चले आए हो। You have been performing rituals, ceremonial acts and so on. बाप आकर ज्ञान देते हैं। The father comes and gives knowledge. आधा कल्प चलती है भक्ति। भक्ति continues for half a kalp. और ये भक्ति है आती है रावण से। And this bhakti comes from Ravan. जब से रावण राज्य शुरू होता है भक्ति शुरू होती है। Bhakti begins ever since the kingdom of Ravan begins.
और बाप एक जन्म में आके ज्ञान देते हैं। एंड द फादर कम्स फॉर वन बर्थ ओनली एंड गिव्स नॉलेज। परंतु से एक जन्म के ज्ञान की प्रारब्ध चलती है आधा कल्प। बट द फ्रूट ऑफ दैट नॉलेज ऑफ वन बर्थ कंटिन्यूज फॉर हाफ अ कल्प। बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं। द फादर कम्स एंड गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज। क्या वर्षा है ज्ञान का? वॉट इज द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज? स्टूडेंट, लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ। मुक्ति भी वर्षा है। लिबरेशन इज ऑल्सो एन इनहेरिटेंस। जो सारी दुनिया को मुक्ति मिलती है। द एंटायर वर्ल्ड रिसीव्स लिबरेशन। ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो उस दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति को न पाए। There is no human soul who doesn't achieve liberation from the world of sorrow and pain. इसका मतलब आखिरी 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माओं को भगवान का ज्ञान मिलता है। It means that ultimately all the 500-700 crore human souls receive the knowledge of God. एक दिन सारी दुनिया ब्राह्मण बन जाएगी। One day everyone in the entire world will become Brahmin. परंतु ब्राह्मणों की भी कुरियां होती हैं। But there are categories of Brahmins as well. कोई ऊंची कुरी के और कोई नीची कुरी के। Some belong to a higher category and some to a lower category. तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं। सो इट इज इन योर इंटेलेक्ट दैट द फादर कम्स एंड गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान का वर्षा है सुख और शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज इज हैप्पीनेस एंड पीस, लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ। परंतु ज्ञान वहां साथ में नहीं चलता है। बट द नॉलेज डजंट गो विद अस देयर। कहां? वेयर? न शांति धाम में ज्ञान साथ में चलता है और न सुखधाम में ज्ञान साथ चलता है। द नॉलेज गोज विद अस नीदर टू द अबोड ऑफ पीस नॉर टू द अबोड ऑफ हैप्पीनेस। वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं है। देयर इज नो नीड एट ऑल टू रिमेम्बर द फादर देयर। मुक्ति धाम में जाते हो वहां याद करना होता है क्या? यू गो टू द अबोड ऑफ लिबरेशन, डू वी हैव टू रिमेम्बर देयर? मुक्ति धाम में जाएंगे तो बाप को याद करेंगे क्या? वेन वी गो टू द अबोड ऑफ लिबरेशन विल यू रिमेम्बर द फादर देयर? क्यों? स्टूडेंट, नो। क्योंकि आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो जाती है। इट इज बिकॉज द सोल बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द बॉडी। पांच तत्वों से बनी देह के बंधन का मोह नहीं रहता। इट डजंट हैव अटैचमेंट फॉर द बॉडी मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। सुखधाम में भी देवताओं को पांच तत्वों से बनी हुई देह का कोई मोह नहीं होता। इन द अबोड ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो द डीटीज डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट फॉर द बॉडी मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। देह के बंधन से आत्मा मुक्त होती है जब चाहे शरीर छोड़ती है स्वेच्छा से। द सोल इज फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द बॉडी, इट लीव्स द बॉडी वेन एवर इट विशेस। भक्ति भी पीछे वृद्धि होती है। भक्ति ऑल्सो इंक्रीजेस लेटर ऑन। जैसे बच्चा पहले छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज इनिशियली स्मॉल। तो देखने में सुंदर लगता है या तमो प्रधान दिखाई पड़ देता है? सो डज इट अपियर ब्यूटिफुल और तमो प्रधान? सुंदर दिखाई देता है, आकर्षण करता है। इट अपियर्स टू बी ब्यूटिफुल, इट अट्रैक्ट्स अस। तो भक्ति भी पहले अब भी विचारी होती है। सो भक्ति इज ऑल्सो अनअडल्ट्रेटेड इनिशियली। और तामसी होती है तो विचारी बन जाती है।
एंड व्हेन इट बिकम्स तामसी दैट इज डिग्रेडेड इट बिकम्स अडल्ट्रेटेड। जब वृद्धि होती है व्यभिचारी बन जाती है तो दुनिया की बहुत ढेर सारी आत्माएं भक्ति को छोड़ देती हैं। When it increases, it becomes adulterated. A lot of souls of the world leave bhakti. कोई चीज तामसी बनती है तो उतना आकर्षण नहीं करती और सात्विक होती है तो बहुत आकर्षण करती है। When something becomes degraded, it doesn't attract much. And when it is sattvic, that is pure, it attracts a lot. फिर किनको आकर्षण करती है किनको आकर्षण नहीं भी करती है? Then it attracts some and doesn't attract some others. जो पुरानी पुरानी आत्माएं हैं जिन्होंने आप भी विचारी भक्ति की है उनको अंतिम जन्म में भक्ति आकर्षित नहीं करती है। The old souls who have performed unadulterated bhakti aren't attracted by bhakti in the last birth. और जो नई नई आत्माएं अभी उतर रही हैं उनको आकर्षित करती है। And the new souls that are descending now are attracted to it. तो भक्ति भी पहले पहले अभिविचारी होती है। So bhakti is unadulterated initially. ज्ञान भी पहले पहले अभिविचारी होता है। Knowledge is also unadulterated initially. जिन्होंने पहले पहले अभिविचारी भक्ति की है वो अभिविचारी ज्ञान उठाते हैं। Those who have performed unadulterated bhakti in the beginning grasp unadulterated knowledge. जिन्होंने विविचारी भक्ति की है वो विविचारी ज्ञान उठाते हैं। Those who performed adulterated bhakti grasp adulterated knowledge. अनेकों से सुनते रहेंगे। They will keep listening to many. तो इस समय तो आती विविचारी भक्ति है। So at this time, bhakti is extremely adulterated. इसको रौरव नरक कहा जाता है। This is called रौरव नरक, that is horrible hell. एकदम तीखे में तीखा नरक है। It is the worst hell. कौन बनाता है? रावण। Who creates it? Student, रावण। रावण कौन? Who is Ravan? Student, the bodily gurus. कहेंगे ये मनुष्य गुरु। It will be said, these bodily gurus. मनुष्य को नर कहा जाता है। A human being is called nar, that is man. तो मनुष्य गुरु क्या बनाते हैं? नरक बनाते। So, what do human gurus make? They make narak, that is hell. फिर बाप आकर तीखे में तीखा स्वर्ग बनाते हैं। Then the father comes and creates the greatest heaven. क्यों? Why? बाप नरकन में नहीं आते हैं क्या? Doesn't the father come in a male body? बाप भी तो नरकन में आते हैं। The father also comes in a male body. फिर वो आकर के तीखे में तीखा नरक क्यों बनाते हैं और बाप आते तो तीखे में तीखा स्वर्ग कैसे बन जाते हैं? Then, why do they, that is the human gurus, come and make the worst hell, and when the father comes, how is the greatest heaven established? क्योंकि बाप जिस तन में आते हैं, सबसे पहले उस तन की स्वस्थिति बनती है। Student, the stage of the self, it is because the body in which the father comes, that body achieves the stage of the self first of all. तनधारी स्वस्थिति में स्थित हो जाता है। The bodily being becomes stable in the स्वस्थिति, that is the stage of the self. और जितना जितना तीखे रूप में स्वस्थिति में स्थित होता जाएगा उतना उसके वाइब्रेशन तीखे होते जाएंगे। And the more firmly he becomes stable in स्वस्थिति, the more his vibrations will become powerful. मनुष्य मात्र संसर्ग संपर्क में आने मात्र से अनुभव करेगा। Just by coming in contact and connection with him,
एवरी ह्यूमन बीइंग विल एक्सपीरियंस कि हम कहाँ आ गए, वेयर हैव वी कम। इसलिए यादगार बनाई हुई है पारसनाथ का मंदिर। दिस इज वाई द टेम्पल ऑफ पारसनाथ हैज बीन मेड एज द यादगार। इस समय तो 100% सुख दुख है। एट दिस टाइम देर इज 100% सोरो। रौ रव नरक है। इट इज अ हॉरिबल हेल। कि कहीं स्वर्ग दिखाई देता है? और डू यू फाइंड हेवन एनीवेयर? कोई कोई है जो समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में हैं। देर आर सम हू फील एज इफ दे आर इन हेवन। लेकिन ज्यादातर आत्माएं अपने को स्वर्ग में महसूस करती है या दुख में, नरक में महसूस करती है। बट डू मोस्ट ऑफ द सोल्स फील देमसेल्व्स टू बी इन हेवन और डू दे फील देमसेल्व्स टू बी इन सोरो इन हेल? नरक में महसूस करती है। दे फील देमसेल्व्स टू बी इन हेल। 100% दुख आवेगा फिर 100% सुख शांति हो जाएगी। फर्स्ट देर विल बी 100% सोरो एंड देन देर विल बी 100% हैप्पीनेस एंड पीस। माना अभी भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो क्या समझते हैं हम कहाँ हैं, से कहते हैं हम स्वर्ग में हैं। इट मीन्स दैट इवन नाउ देर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। व्हाट डू दे थिंक, वेयर आर दे से दे आर इन हेवन। समझाने में ये बातें बड़ी सहज हैं। दीज टॉपिक्स आर वेरी इजी टू एक्सप्लेन। अभी तुम समझते हो रचना के आदि मध्यंत को बाप द्वारा हम जान गए। नाउ यू रियलाइज दैट यू हैव कम टू नो द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द क्रिएशन थ्रू द फादर। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना करके पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। द फादर सेज आई कम ओनली व्हेन आई हैव टू एस्टैब्लिश द न्यू वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉय द ओल्ड वर्ल्ड। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे। जस्ट वन पर्सन विल नॉट परफॉर्म सच ए बिग टास्क। इस दुनिया को हेल कहा जाता है। दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड हेल। अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? विल ए सिंगल पर्सन अकम्प्लिश सच ए बिग टास्क? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लिटरली अ सिंगल ग्राम कैनॉट ब्रेक द फर्निस। इतनी बड़ी दुनिया का विनाश करने के लिए एक चाहिए कि और भी चाहिए साथी? इज जस्ट अ सिंगल पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ सच ए बिग वर्ल्ड और आर अदर कंपेनियंस ऑल्सो रिक्वायर्ड? खुदाई खिदमतगार बहुत चाहिए। स्टूडेंट मेनी आर रिक्वायर्ड। Many servants of God are required. इस समय तुम बाप के खिदमतगार बनते हो। At this time, you become the servants of the Father. वो मनुष्य गुरुओं के खिदमतगार बनते हैं। Those people become the servants of the human gurus. परंतु तुम बच्चे भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। But you children do the true service of India in particular. और सच्चा बाबा ही सच्ची सेवा सिखलाते। And it is the true Baba alone who teaches the true service. अपना भी, भारत का भी और सारे विश्व का कल्याण करते हो। You bring benefit to the self as well as India and also the entire world. तो ये कल्याण का काम कितना रुचि से करना चाहिए? So you should perform this task of bringing benefit with so much interest. बाप कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं? The father brings the sadgati of everyone with so much interest. अभी भी सद्गति होनी है। The sadgati has to take place now as well. जरूर ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। Definitely, this is pure ego, a pure feeling.
और तुम जो सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु वो गुप्त सेवा है। एंड यू परफॉर्म ट्रू सर्विस बट इट इज अ सीक्रेट सर्विस। अंदरूनी सेवा है। इट इज अ हिडन सर्विस। तुम कोई सेवा का दिखावा नहीं करते हो। यू डोंट शो ऑफ सर्विस। माना जितनी सच्चाई है उतना ही गुप्त होगा। इट मीन्स द मोर ट्रूथफुल द सर्विस इज द मोर सीक्रेट इट विल बी। और जितना झूठापन होगा उतना ही दिखावा करने वाला होगा। एंड द मोर देर इज फॉल्सिटी द मोर इट विल बी ऑस्टेंटेशियस। आत्मा गुप्त पुरुषार्थ करती है शरीर द्वारा। द सोल मेक्स सीक्रेट पुरुषार्थ थ्रू द बॉडी। तुम उससे बहुत पूछते हैं। मेनी पीपल आस्क यू। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य क्या है। वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू द ब्रह्मा कुमार कुमारीज। बोलो। टेल देम। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का राज्य स्थापन करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रह्मा कुमार कुमारीज इज टू एस्टैब्लिश अ किंगडम ऑफ गोल्डन एज हैप्पीनेस एंड पीस इन द वर्ल्ड। हम हर 5-4 वर्ष के बाद विश्व में शांति श्रीमत पर स्थापन करते हैं। वी एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू श्रीमत एवरी 5,000 ईयर्स। और जो विश्व शांति करते हैं उसकी प्राइज भी लेते हैं। एंड दोज़ हू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस ऑल्सो रिसीव प्राइज फॉर इट। विश्व में शांति होती है। पीस इज एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। हम विश्व का राजभाग भी लेते हैं। वी ऑल्सो ऑब्टेन द किंगशिप ऑफ द वर्ल्ड। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब प्राइज लेते हैं। प्रजा भी तो प्राइज लेती है ना। एज द किंग एंड क्वीन सो आर द सब्जेक्ट्स एवरीवन ऑब्टेन्स अ प्राइज। द सब्जेक्ट्स ऑल्सो ऑब्टेन अ प्राइज डोंट दे। कैसे हाउ। जैसे कोई परिवार होता है, परिवार में कोई बहुत बड़ी दुकान है बाप की। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फैमिली। इफ द फादर हैज अ बिग शॉप इन द फैमिली। बाप दुकान पर बैठेगा तो कहेगा मेरी दुकान। व्हेन द फादर सिट्स एट द शॉप ही विल से इट इज माय शॉप। और प्रजा बच्चों को कहा जाता है। एंड द चिल्ड्रन आर कॉल्ड हिज सब्जेक्ट्स। कोई बच्चा दुकान पर बैठेगा तो क्या कहेगा। If the child sits at the shop, what will he say? मेरी दुकान। It is my shop. तो सबको अपन अपन महसूस होता है। So everyone experiences a sense of belonging. छोटा बच्चा भी कहेगा मेरा बाप और बड़ा बच्चा भी कहेगा मेरा बाप। The younger child will say he is my father, and the elder child will also say he is my father. लौकिक दुनिया में होते हैं स्थूल खून के बच्चे और स्थूल खून के बाप, और यहाँ है बेहद का रूहानी खून और रूहानी बाप के रूहानी खून वाले रूहानी बच्चे। इन द लौकिक वर्ल्ड द चिल्ड्रन एंड द फादर आर फिजिकली रिलेटेड बाय ब्लड एंड हियर इट इज द स्पिरिचुअल ब्लड इन द अनलिमिटेड and the spiritual children with the spiritual blood of the spiritual father. तो जो भी प्रजा होगी पहले जन्म की संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग की प्रजा का हर एक बच्चा अपने को क्या समझेगा। So what will every subject of the first birth in the confluence age, every child among the subjects of the golden confluence age consider himself to be? बाप ही अपन को विश्व का बादशाह समझेगा या बच्चे भी प्रजा का हर
भांति ये समझेगा कि ये विश्व की बादशाही हमारी है। Will the father alone consider himself to be the emperor of the world, or will the children, every member of the subjects, also think that the emperorship of the world is theirs? यथा राजा तथा प्रजा, ये हर जन्म की बात नहीं है, कौन से जन्म का गायन है? As is the king, so are the subjects. This is not about every birth. It is famous about which birth? संगम युग का गायन है। It is the glory of the confluence age. तो प्रजा भी तो प्राइज लेती है ना? So, the subjects also receive the prize, don't they? इसी जन्म में नरकवासी से इसी जन्म में स्वर्गवासी बनना ये कम प्राइज है क्या? Becoming the residents of heaven from residents of hell in this very birth, is it a small prize? सब तो नहीं बनेंगे। Not everyone will become the residents of heaven. सब बनेंगे। Will everyone become this? इसी जन्म में नरकवासी सब स्वर्गवासी बनेंगे। Will they become the residents of heaven from being the residents of hell in this very birth? नहीं बनेंगे, कहाँ चले जाएंगे? They will not. Where will they go? हैं? स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, कहाँ के वासी बनेंगे? They will not become the residents of heaven. They will become the residents of which place? शांति धाम वासी बनेंगे। They will become the residents of the abode of peace. वहाँ न सुख रहेगा और न वहाँ दुख रहेगा। There will neither be happiness nor sorrow there. तो तुम पीस प्राइज लेकर बहुत खुश होते हो। So you feel very happy on receiving the peace prize. वो दुनिया में पीस प्राइज देते हैं। They give a peace prize in the world. विश्व शांति सम्मेलन करते हैं। They organize world peace conferences. हद की पीस प्राइज लेकर के कितना खुश होते हैं। They feel so happy on receiving a peace prize in the limited. मिलता तो कुछ भी नहीं है। They don't get anything at all. उनको कुछ भी समझ नहीं है। They don't understand anything. न विश्व शांति होती है और न जो उनको प्राइज मिलती है उसकी स्थायी खुशी रहती है। Neither is peace established in the world. Nor do they have constant happiness for the prize they received. बिल्कुल ही बेसमझ। They are completely ignorant. सच्ची सच्ची पीस प्राइज तो हम बाप से लेते हैं। It is from the father that we receive the true peace prize. कहते हैं ना, हमारा भारत ऊंच देश महान। People say our India is a great country, don't they? भारत की कितनी महिमा करते हैं। They glorify India so much. सभी समझते हैं कि हम भारत के मालिक हैं। Everyone thinks that he is the master of India. परंतु वो मालिक हैं कहाँ? But they aren't the masters in reality. आज मालिक बनते हैं, कल कुर्सी से नीचे उतार दिया जाता है। Today they become masters and tomorrow they are dethroned. अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर शक्ति का राज्य स्थापन करते हैं। Now you children know we establish the kingdom of truth on Baba Shrimat. तुम्हारे पास हथियार पवार आदि कुछ भी नहीं है। We don't have any arms, weapons, etc. हम सिर्फ दैवी गुण धारण करते हैं। You just assimilate divine virtues. इसलिए तुम्हारा गायन होता है। This is why you are praised. वो हथियार पवार चलाते हैं। They use arms and weapons. उनका तो शास्त्रों में गायन नहीं है। They are certainly not praised in the scriptures. परंतु झूठी कहानियां लिख दी है। But false stories have been written. तो समझते हैं कि ऐसा ऐसा युद्ध किया होगा। So they think they would have fought battle in this way. इसलिए तुम्हारा ही शास्त्रों में गायन है, तुम्हारा ही पूजन होता है। This is why it is only you who are praised in the scriptures.
यू अलोन आर वर्शिप। जगदम्बा के देखो कितने पुजारी हैं। लुक देर आर सो मेनी वर्शिपर्स ऑफ जगदम्बा। परंतु इसमें अंधश्रद्धा की बात और श्रद्धा की बात को देखना है। बट यू शुड कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड फेथ एंड फेथ इन दिस। अम्बा के इतने पुजारी सारे अंधश्रद्धालु। देर आर सो मेनी वर्शिपर्स ऑफ अम्बा दैट इज जगदम्बा एंड ऑल आर द वंस विद ब्लाइंड फेथ। अम्बा कौन है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण सो देवता कौन बनते हैं, ये भी पता नहीं है। दे डोंट इवन नो हु अम्बा इज, हु द ब्राह्मिन्स आर एंड हु ट्रांसफॉर्म इनटू डीटीज फ्रॉम ब्राह्मिन्स। ये अम्बा भगवान तो नहीं है। दिस अम्बा इज सर्टनली नॉट गॉड। अम्बा भी तो ब्राह्मणी ही है ना। अम्बा इज ऑल्सो अ ब्राह्मणी दैट इज अ फीमेल ब्राह्मिन इज़न्ट शी। तुम अम्बा की औलाद हो। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ अम्बा। अम्बा कहो ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा आदि देव। कॉल हर अम्बा और ब्रह्मा, ब्रह्मा इज द फर्स्ट डीटी। उनकी बेटी है अम्बा। किनकी? अम्बा इज हिज डॉटर हुस। है? अरे दो बताए ना, ब्रह्मा और आदिदेव। अरे टू नेम्स वर मेंशन वरन दे, ब्रह्मा एंड आदिदेव। उनकी बेटी है अम्बा। किनकी बेटी? अम्बा इज हिज डॉटर हुस आदिदेव की, ऑफ आदिदेव। काली दुर्गा सरस्वती आदि आदि नाम बहुत रख दिए हैं। मेनी नेम्स लाइक काली दुर्गा सरस्वती एंड सो ऑन हैव बीन गिवन। यहाँ भी कहाँ? हियर ऑल्सो। वेयर? यहाँ माने कहाँ? हियर रिफर्स टू विच प्लेस? माउंट आबू में। इन माउंट आबू। ये मुरली कहाँ की चली हुई है? वेयर वॉज दिस मुरली नरेटेड? माउंट आबू में। इन माउंट आबू। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। हियर ऑल्सो देर इज अ स्मॉल टेम्पल ऑफ अम्बा डाउन हिल्स। नीचे क्यों बताया? वाई वॉज इट सेट टू बी डाउन हिल्स? अम्बा को नीचे क्यों दिखा दिया? वाई वॉज अम्बा लोकेटेड डाउन हिल्स? गुरु शिखर सबसे ऊपर दिखाया और दिलवाड़ा मंदिर बीच में दिखाया और अम्बा का मंदिर नीचे दिखाई दिया। गुरु शिखर इज लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट पीक एंड दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड इन द मिडिल एंड द टेम्पल ऑफ अम्बा इज लोकेटेड डाउन हिल्स। और वो भी मंदिर छोटा सा बनाया है। इन एडिशन द टेम्पल दैट हैज बीन बिल्ट इज स्मॉल। दिलवाड़ा मंदिर बहुत बड़ा बनाया है। क्यों? द दिलवाड़ा टेम्पल इज बिल्ट वेरी बिग। वाई? हैं? ऐसे तो दिलवाड़ा मंदिर में भी एक तरफ कोने में काला देव और काली माई भी बैठी हुई है और मुख्य स्थानों पर तपस्या में बैठे हुए ब्राह्मण सो देवता ऊपर दिखाए गए। इन अ वे इवन इन द दिलवाड़ा टेम्पल द डार्क डीटी काला देव एज वेल एज द डार्क मदर काली माई आर सिटिंग ऑन वन साइड इन अ कॉर्नर एंड एट द मेन प्लेसेस द ब्राह्मिन्स हु ट्रांसफॉर्म इनटू डीटीज हैव बीन शोन अबाव टू बी सिटिंग इन तपस्या दैट इज इंटेंस मेडिटेशन। तो अम्बा का मंदिर छोटा क्यों बनाया और नीचे क्यों बनाया है? सो वाई हैज द टेम्पल ऑफ अम्बा बीन बिल्ट स्मॉल एंड डाउन हिल्स? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बड़े बड़े भव्य बनाते हैं
और जगदम्बा सरस्वती का मंदिर, कहीं विद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी होती है तो ऊपर एक छोटा सा मंदिर ताक में रख देते हैं, छोटी सी मूर्ति बनाकर। वेरी बिग एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण आर बिल्ड एंड एज रिगार्ड्स द टेम्पल्स ऑफ जगदम्बा सरस्वती, दे बिल्ड अ स्मॉल टेम्पल अबव ऑन द वॉल ऑफ अ स्कूल और यूनिवर्सिटी, दे मेक अ स्मॉल आइडल एंड कीप इट ऑन अ लेज। वो भक्त लोग तो अर्थ कुछ भी नहीं समझते। Those devotees do not understand the meaning at all. तुम्हारी बुद्धि में तो अर्थ आता है। Your intellect understands the meaning. क्या अर्थ है? What is the meaning? है? पुरुषार्थ। Student, पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ? What पुरुषार्थ? सेवा। Student, service. हाँ। Yes. लक्ष्मी के मुकाबले जगदम्बा की सेवा का स्टॉक कम है। When compared to Lakshmi, जगदम्बा's stock of service is small. स्थापना का कार्य बड़ा या विनाश का कार्य बड़ा? Is the task of establishment bigger or is the task of destruction bigger? Everyone said the task of establishment. स्थापना करना ऊंचा काम है। To establish something is an elevated task. यह है निर्माण का काम। It is a task of construction. कोई मकान बनाना सहज होता है या गिराना सहज होता है? Is it easy to build a house or is it easy to demolish it? बनाने में मेहनत लगती है। It involves hard work to build a house. कोई भी संगठन बनाने में मेहनत लगती है और बिगाड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। इट इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क टू बिल्ड एनी गैदरिंग एंड व्हाट अबाउट ब्रेकिंग इट? इट डजंट टेक मच टाइम टू ब्रेक इट। तो बोला है। सो इट वॉज सेड। यहाँ भी, हियर ऑल्सो, नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर, देयर इज अ स्मॉल टेम्पल ऑफ अम्बा डाउन हिल्स। शिव के मंदिर जहाँ कहीं भी बनाएंगे ऊंची टीले पर बनाएंगे। Wherever Shiv's temples are built, they build them on a high hill. और जगदम्बा का मंदिर नीचे बनाया गया है। And Jagadamba's temple has been built down hills. अम्बा को भुजाएं दे दी है। Many arms have been given to Amba. माना? What does it mean? शंकर को भुजाएं नहीं दी है और अम्बा को भुजाएं दे दी है। शंकर हैजंट बीन गिवन मेनी आर्म्स बट अम्बा हैज बीन गिवन मेनी आर्म्स। भुजा माना मददगार। आर्म्स मीन हेल्पर्स। माना अम्बा के बहुत मददगार बन जाते हैं। इट मीन्स दैट मेनी पीपल बिकम हेल्पर्स ऑफ अम्बा। अम्बा कहो, जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, अर्थ एक ही है या अलग अलग है? कॉल हर अम्बा, कॉल हर जगदम्बा, कॉल हर ब्रह्मा, डू दे मीन द सेम और आर दे डिफरेंट? अर्थ एक ही है। द मीनिंग इज द सेम। इसलिए बोला, दिस इज वाई इट हैज बीन सेड, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। एक्चुअली दिस ब्रह्मा इज योर जगदम्बा। वास्तव में ब्रह्मा क्यों जगदम्बा है? Why is Brahma Jagadamba in reality? Brahma Jagadamba इसलिए है कि जगत की माता का पार्ट वास्तव में ब्रह्मा ने बजाया। Brahma is Jagadamba because it is Brahma who has played the part of the world mother in reality. माताओं का विशेष गुण क्या होता है जो पुरुषों में नहीं होता है? सहनशीलता। What is the special quality of mothers which men don't have? Tolerance. तो वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। So actually this Brahma is your Jagadamba. परंतु इनको अगर तन पुरुष का न होता, स्त्री चोला होता, तो इनकी भी पूजा होती।
But if he did not have a male body, if he had a female body, he too would have been worshipped. परंतु पुरुष तन है इसलिए पूजा नहीं होती. But he has a male body. That is why he is not worshipped. जब ये शरीर छोड़ते हैं, कोई स्त्री चोली वाली माता में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा की भी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में. When he leaves the body, he enters some female body, a mother. Then Brahma is also worshipped in the form of Jagadamba. तो भी जगदम्बा के नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा इतना ऊंचा कार्य नहीं करती जितना ऊंचा कार्य बाप करते हैं. However, through the name and form of Jagadamba, the soul of Brahma does not perform a task as high as the task the father performs. तो गीता माता सदगति करने वाली है या गीता पति भगवान सदगति दाता है. So, is it the mother Gita who brings sadgati, or is the husband God of the Gita the giver of sadgati? है? गीता पति भगवान से सदगति होती है. द हस्बैंड गॉड ऑफ द गीता ब्रिंग सदगति. भुजाएं इतनी क्यों दे दी है? व्हाई हैज शी बीन गिवन सो मेनी आर्म्स? ब्रह्मा को भी हजार भुजाएं दिखाते हैं. ब्रह्मा इज ऑल्सो शोन टू हैव 1000 आर्म्स. शंकर को हजार भुजाएं नहीं दिखाते. Shankar is not shown to have 1000 arms. Koi karan hoga? There must be some reason. Kya karan hai? What is the reason? Aisi baat to nahi hai ki hazar bhujaye dikhana Jagadamba ko anek bhujaye dena Shankar ko anek bhujaye na dena. ऐसे तो नहीं है कि ये सब अंधश्रद्धा है. इट इज नॉट दैट शोइंग 1000 आर्म्स, गिविंग 1000 आर्म्स टू जगदम्बा, नॉट गिविंग मेनी आर्म्स टू शंकर, ऑल दीज थिंग्स आर ब्लाइंड फेथ. चित्रों में चित्रकारों ने पुराने पुराने भीत चित्रों में ये चित्र बनाए हैं सतो प्रधान स्टेज में, तो इनका कोई तो अर्थ होगा. The painters have painted these picture of the arms among the old wall paintings in a Satopradhan stage. So, they will certainly have some meaning. अभी तुम अंबा के पास आए हो. Now, you have come to Amba. अभी तुम अंबा के पास आए हो. कौन सा संघ की वाणी है? Now, you have come to Amba. It is a vani of which year? 97 की नहीं, 67, 67 की. Of 1967. तो अंबा के पास आए हो. So you have come to Amba. बाबा कहाँ? Where is Baba? बोला इन्हीं दिनों में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है. This was said during those very days. Actually, this Brahma is your Jagadamba, but the body is of a male. तो अभी तुम अंबा के पास आए हो. So now you have come to Amba. बाबा कहाँ है? Where is Baba? अगर ये Jagadamba है तो बाबा कहाँ है तुम्हारा? If this one is Jagadamba, then where is your Baba? क्या जवाब देंगे? What will they reply? अगर कहें बिंदी प्रवेश करती है शिव ज्योति बिंदु, तो मुरली में बोला साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है. इफ दे से द पॉइंट ऑफ लाइट शिव दैट एंटर्स इज बाबा, देन इट हैज बीन सेड इन द मुरली दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन इज कॉल्ड बाबा. तो पूछा ये जगदम्बा है ब्रह्मा, तो तुम्हारा बाबा कहाँ है? So it was asked,
इफ दिस ब्रह्मा इज जगदम्बा देन वेयर इज योर बाबा? अम्बा से तो बाबा बड़ा होता है. बाबा इज सीनियर देन अम्बा. अम्मा या बाबा? अम्मा दैट इज मदर और बाबा दैट इज फादर. बड़ा कौन होता है? हु इज सीनियर? एवरीवन सेड बाबा. बाबा बड़ा होता है छोटे छोटे बच्चों की दृष्टि में. अम्मा बड़ी होती है. बाबा इज सीनियर इन द आईज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन द मदर इज सीनियर. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाबा बड़ा होता है. When the children grow up, Baba is senior for them. तो इसको कहा जाता है blind faith. So this is called blind faith. किसको? What? है? किसको कहा जाता है blind faith? What is called blind faith? Student to consider the mother to be senior. हाँ. Yes. तथाकथित ब्राह्मण भी क्या समझते हैं? What do the so-called Brahmins also think? हैं? कि जगत पिता का पार्ट बड़ा नहीं है. किसका पार्ट बड़ा है? जगत पिता's part is not bigger. Whose part is bigger? ब्रह्मा का पार्ट बड़ा है. ब्रह्मा's part is bigger. ब्रह्मा ही ब्रह्मा और फिर कृष्ण ही गीता का भगवान है. ब्रह्मा हिमसेल्फ ब्रह्मा अलियास कृष्ण हिमसेल्फ इज गॉड ऑफ द गीता. इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा. दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ. तो श्रद्धा विश्वास क्या हुआ? सो व्हाट इज फेथ एंड बिलीफ? क्राइस्ट बुद्ध आदि आए. क्राइस्ट बुद्ध एंड सो ऑन केम. उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया. दे एस्टैब्लिश्ड देयर रिलीजन. उनकी तिथि तारीख आदि सब बताते हैं. Everything about their date, time of arrival and so on is mentioned. तो इसमें blind faith की बात नहीं है. So there is no question of blind faith in this. और यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि बाप कब आते हैं और कब चले जाएंगे. And here we do not come to know at all when the father comes and when he will depart. पता चलेगा क्या? विल वी कम टू नो? स्टूडेंट नो. ओम शांति. ओम शांति.